गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9। तो इससे पहले हम जो 8th चैप्टर 7th चैप्टर कर चुके हैं उसमें हमने अभी तक देखा है कि फॉर्म्स क्या क्या हैं। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनमें हमने फॉर्म्स के बारे में देखा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, किस किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, किस किस फॉर्म्स में हम बिजनेस कर सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा कि वाइल सेलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सम फैक्टर्स मस्ट बी कैप्ट इन माइंड, कि जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे माइंड में जो फैक्टर्स आते हैं जो कि मतलब उसको इफेक्ट कर सकते हैं, उस डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कैपिटल हमें कितनी चाहिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो हमारी जो कैपिटल होगी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, सेल परचेज करना है, तो उसमें जो कैपिटल होगी वो बहुत ही कम चाहिए। दूसरा हम ये देख सकते हैं, जैसे मान लिया कि अगर हम सोल ट्रेड कर रहे हैं तो सोल ट्रेड में हमें कैपिटल कम चाहिए, और बजाय सोल ट्रेड के अगर हम कंपनी सेटअप करते हैं तो कंपनी में हमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इतनी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो हमें अरेंज करने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हमें अरेंजमेंट की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए भी हम अलग से डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक ये फैक्टर है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट की, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। वो ये डिसाइड करता है, इस चीज़ से डिसाइड होता है कि हमने कौन सा बिजनेस फॉर्म सेलेक्ट किया है, अप्लाई किया है। तो अगर हम कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, तो कंपनी एक बड़े लेवल पे होती है, ठीक है, बजाय कि सोल ट्रेड के। तो सोल ट्रेड छोटे लेवल पे होता है तो कम पूंजी की ज़रूरत है, लेकिन बड़े लेवल पे जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब कंपनी सेटअप कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे मशीनरी सेटअप करनी है, ठीक है, वर्क फोर्स हमें चाहिए, उनकी सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनको वो एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा जिसमें बहुत सारा सेटअप में ही, लेआउट में ही इतना खर्चा लग जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स, कि लायबिलिटी हमने दो तरीके की पढ़ी थी, एक लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरी कौन सी थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता था कि जो आपके शेयर की वैल्यू है सिर्फ वहीं तक ही आपकी लायबिलिटी रहेगी, ठीक है, कि जितना पैसा आपसे मंगाया गया था शेयर का उससे ज़्यादा पैसा आपसे नहीं मंगवाया जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या था कि अगर कंपनी पर या उस बिजनेस पर कर्जा हो जाता है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती है। अगर वो कर्जा चुकाया नहीं गया, ठीक है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बिक सकती है। इसको कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सीधा सा असर इस पे पड़ता है कि अगर आप कंपनी सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप सेलेक्ट करते हो या सोल ट्रेड सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या होगा, आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, फैसिलिटी इन फॉर्मेशन। तो फैसिलिटी, क्या फैसिलिटीज हमें मिलती है फॉर्मेशन में, मतलब उसको सेटअप करने में। तो सेटअप करने में क्या होता है कि अगर हम सोल ट्रेड को सेटअप कर रहे हैं या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टनरशिप को सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें हमें इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इजीली उसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने कंपनी को सेटअप किया, ठीक है, या फिर हमने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप किया, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, और उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है और उसमें इतना पैसा लगता है, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, कि उसकी फॉर्मेलिटी आसान नहीं होती है। फैसिलिटी इनफॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमें सोल ट्रेड कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन उसी का ही इजी है, आप उसको जल्दी से जल्दी सेटअप कर सकते हो, आपको किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको कंपनी या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ेगी जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी।
अब हमने देखा था कि जो सोल ट्रेड है उसमें बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं होती। अगर मान लिया उसका जो मालिक है या करता है वो, उसी की अगर डेथ हो जाती है तो वो जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, कंपनी सेटअप कर रहे हैं, तो कंपनी में हमने ये पढ़ा था कि मेंबर्स आते रहते हैं, मेंबर्स जाते रहते हैं, लेकिन जो इसकी कंटिन्यूटी है वो क्या है, रेगुलर चलती रहती है। बिजनेस बंद हमारा नहीं होता है, कंपनी बंद हमारी नहीं होती है, कंपनी हमारी एज इट इज़ चलती रहती है, मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अगर हमें स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी देखनी है तो हमें किस में जाना पड़ेगा, कंपनी में जाना पड़ेगा। अगर हमें ऐसा बिजनेस सेटअप करना है कि अगर मान लिया हमने सोल ट्रेड सेट कर लिया, ठीक है, अब सोल ट्रेड को सेटअप करने के बाद क्या उसमें, तो अगर मान लिया किसी जो करता है या जो मुखिया है उसका, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, वो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर इस पर्पस से हम देखें तो सोल ट्रेड बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। नेक्स्ट हम आते हैं टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में क्या है कि जितना छोटे से छोटे लेवल पे हम बिजनेस करेंगे टैक्स लायबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हमने बिजनेस को बढ़ा दिया तो टैक्स लायबिलिटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, देखो छोटे लेवल के बिजनेस में इनकम भी कम होगी, अगर इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम लगेगा, ठीक है, प्रॉफिट्स कम होंगे, टैक्स भी कम लगेगा। अगर वही चीज़ अगर हम देखें कि बड़े लेवल पे, तो बड़े लेवल पे क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो कंपनी कंपनी के तौर पे हम देखते हैं, तो कंपनी में क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी भी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजीरियल नीड्स। अब मैनेजीरियल नीड्स में हम देखते हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो, अगर हमें मैनेजर्स चाहिए अपने बिजनेस में, मैनेजर्स चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे एक ऐसे एबिलिटी वाले बंदे को ला रहे हैं जो कैपेबल है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा मनी हमें पे करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें मनी की, अगर हमारे पास मनी कम है, कैपिटल कम है, हमारे पास पूंजी कम है, तो हम क्या करेंगे, मैनेजर नहीं ला सकते हम। तो फिर अगर हम मैनेजर ला सकते हैं तो हम कंपनीज को देखें, ठीक है। अगर हम मैनेजर नहीं ला सकते तो हम सोल ट्रेड से काम चला सकते हैं या पार्टनरशिप से काम चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि देखो, जितना छोटे लेवल पे बिजनेस होगा उतना ही हम फ्लेक्सिबल होंगे। कैसे कि छोटे लेवल पे बिजनेस होगा, एक ही बंदा, जैसे छोटे लेवल पे कौन सा बिजनेस होगा आपका, सोल ट्रेड। सोल ट्रेड में पूरा कंट्रोल एक ही बंदे के हाथ में होता है। अब पूरा कंट्रोल जब एक ही बंदे के हाथ में है तो डिसीजन क्या होंगे, जल्दी लिए जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखें कंपनीज का, तो कंपनीज में क्या होगा, अब कंपनी में है कि जब भी आप डिसीजन ले रहे हो तो आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी जो है वो एक बंदे से नहीं चलती, बहुत सारे बंदों से चलती है, ठीक है। अगर आपको कोई रूल चेंज करना पड़ गया, कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई सोल ट्रेड में, तो आप फटाफट कर दोगे, क्यों, क्योंकि पूरा डिसीजन आपके ही हाथ में है, पूरा कंट्रोल आपके ही हाथ में है। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए कंपनीज में, तो कंपनीज में क्या होता है, आपको सभी की राय लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग एग्री हों और कुछ लोग एग्री ना हों, तो इसलिए देखा जाए फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं, जैसे कि आपका सोल ट्रेड हो गया, ठीक है। और अगर बड़े लेवल के बिजनेस में देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है, जितना टॉप पे बिजनेस जाता जाएगा उससे क्या होगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि हम किस लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम किस लेवल पर, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें किस फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंपनी को, ठीक है। तो ये जितने भी हम पॉइंट्स देख रहे हैं उसमें हमें ये बताना है कि हम किस तरह के बिजनेस में किस फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, या किस फैक्टर से रिलेटेड क्या, कौन सी फॉर्म है, ठीक है। एक फैक्टर हमारे ध्यान में आया, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आए। नेगेटिव में देखा कि इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है अगर ये वाला फैक्टर लेते हैं, पॉजिटिव देखा कि अगर ये वाले बिजनेस फॉर्म को हम अडॉप्ट करते हैं तो इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, तो वही हम कंसिडर यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन में है कि अगर आप बिजनेस का लेवल छोटा रखते हो, ठीक है, तो आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि छोटे लेवल पे बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको इतना प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको जो
इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको आपका अगर स्केल बड़े लेवल का है तो वो किस में हो सकता है, आपका कंपनीज में हो सकता है। तो प्रोडक्शन का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा किस में मिलता है, कंपनीज में मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़े लेवल पे बिजनेस होता है, प्रोडक्शन होता है। तो सीधी सी बात यही है कि अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो आप सोल ट्रेड को चूज करोगे। अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, स्केल ऑफ प्रोडक्शन हाई रखना चाहते हो, तो आप किसको चूज करोगे, कंपनी को चूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है लीगैलिटी। लीगैलिटी में क्या है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको इस तरीके से फॉर्म करना है कि आप ये देख सको कि वो बिजनेस जो है वो लीगल है या नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा बिजनेस नहीं करना है जो लीगल नहीं है। ठीक है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो हमने पढ़े थे कि जैसे पार्टनरशिप है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमने पढ़ा था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या हुआ, यही था कि उसका जो एक्ट है उसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो उसके अंडर ही होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो हमने पढ़ा था उसका रजिस्ट्रेशन उसके अंडर ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्ट हैं उनके रजिस्ट्रेशन उनके अंडर होंगे, तो एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो एक माना जाता है कि लीगल बिजनेस है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे सोल ट्रेड में कोई एक्ट नहीं है तो सोल ट्रेड का कोई एक्ट ना होने से वो इलीगल माना जाएगा, नहीं। लेकिन इलीगल बिजनेस में हम देखते हैं कि जैसे मान लिया चोरी करने का कोई बिजनेस, बिजनेस तो नहीं कहेंगे फिलहाल, जैसे मान लिया कि दो पर्सन जो है एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। ठीक है, किस चीज़ का, कि वो चोरी करेंगे और जो भी सामान आएगा वो आपस में आधा आधा कर लेंगे, या जो भी रेशो उनका होगा उसमें आधा आधा कर लेंगे। क्या ये बिजनेस कहा जाएगा, क्या ये बिजनेस की फॉर्म्स कही जाएगी, क्या ये पार्टनरशिप कही जाएगी, नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस का एक रूल है कि वो लीगल भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नीड ऑफ सीक्रेसी। नीड ऑफ सीक्रेसी में क्या है कि अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स सीक्रेट रखने हैं तो आप सोल ट्रेड का सहारा ले सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप का सहारा ले सकते हैं, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनीज को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें आपके सीक्रेट्स आपके पास नहीं रहेंगे। वो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आप तैयार करते हो वो रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है, जिससे आपके जो डेटा हैं वो पब्लिश होते हैं। ठीक है, अब पब्लिश अगर हो गए तो वहाँ पे सीक्रेसी रही ही कहाँ। ठीक है, तो छोटे लेवल के बिजनेस मतलब कि जो सोल ट्रेड है या फिर पार्टनरशिप है, उनमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको आप शो करो या ना करो ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपके जो सीक्रेट्स हैं वो आपके पास ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी में सीक्रेट्स आपके पास नहीं रहते, वो आउट होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल में क्या आता है कि जो सोल ट्रेड है या पार्टनरशिप है इनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में या फिर आप कह सकते हो कंपनीज में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। बार बार क्या करती है गवर्नमेंट्स, देखती रहती है कि वो रूल रेगुलेशंस ये फॉलो कर रहे हैं। जो कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है, ठीक है, वो भी ये देखते हैं कि ये जो रूल रेगुलेशंस हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एक कंपनी को भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट है आपका बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। कि जब भी आप कोई बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। मान लिया कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये तो देखोगे कि आपको किस तरीके का बिजनेस करना है। आपको ट्रेडिंग में पैसा लगाना है, या आपको मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाना है, या आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है। ठीक है, आप ट्रेडिंग में पैसा लगाने का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ सेल परचेज कर सकते हो, ट्रेडिंग में सिर्फ इतना काम होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आप बनाने का काम करते हो। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको मशीन्स भी चाहिए, आपको बिल्डिंग भी चाहिए, ठीक है, आपको वर्कर्स भी चाहिए, तो उसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसमें आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है आपका स्केल ऑफ बिजनेस।
स्केल ऑफ बिजनेस में क्या है कि आप छोटे लेवल पर बिजनेस करोगे या बड़े लेवल पर बिजनेस करोगे, ठीक है। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये भी देखोगे कि आपका जो बिजनेस है वो छोटे लेवल पे रखना है या बड़े लेवल पे। अगर छोटे लेवल पे रखना है तो सोल ट्रेड काफी है, अगर बड़े लेवल पे ले जाना है तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, कंपनी की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, कि जिस जगह पे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो जगह कैसी है। अगर आप रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लिया कुछ बेचना है आपको, ठीक है, जैसे मान लिया ये जो आपके घरों के आसपास लोग हैं जो सामान बेचते हैं, तो वो कैसी जगह चूज करेंगे। वो ऐसी जगह चूज करेंगे जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो ताकि उनका सामान ज्यादा से ज्यादा बिके। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें क्या है, देखो ट्रेडिंग में हमने पढ़ लिया कि ट्रेडिंग वाला क्या देखेगा, ट्रेडिंग वाला ये देखेगा कि आपको भीड़ भाड़ वाला वाली जगह चाहिए ताकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा सामान बेच सको, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई हुई है तो आप भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल नहीं देखोगे। आप सिर्फ ये देखोगे कि वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी कैसी है, ठीक है, या फिर वहाँ के जो रोड्स हैं वो किस तरीके के हैं, ताकि जो आप माल मंगवा रहे हो गाड़ी से तो वो गाड़ी उन रोड से आ सकती है या नहीं आ सकती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके की फैसिलिटी देखनी है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं देखना है, क्योंकि उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग करनी है। आपको कोई इस तरीके का बिजनेस थोड़ी ना करना है कि आपको वहीं की वहीं बेचना है, नहीं, आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं देखनी है, ठीक है। फिर आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी हम पढ़ चुके हैं, एक तो हम सोल ट्रेड पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम पढ़ चुके हैं और कंपनी हम पढ़ चुके हैं। तो इनमें से कौन सी सेलेक्ट की जाए, ठीक है, तो ये भी हमें सिलेक्शन में भी देखना पड़ेगा। ये भी एक बहुत भारी समस्या होती है कि कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट करें या किस में हम पैसा लगाएं। देखो गाइस क्या होता है कि जो हम पैसा लगा रहे हैं वो इतना भी कम अमाउंट नहीं होती है कि मतलब वो हमें वापस मिल जाए, क्योंकि जब हम पैसा लगा रहे हैं तो वो इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि वो जो डिसीजन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, कि आप उस डिसीजन को वापस नहीं ले सकते। अगर आप उस डिसीजन को वापस लेते हो तो उसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या कहता है कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, मतलब बॉस कौन होगा और उसके अंदर अंडर जो बंदे काम करेंगे वो कौन कौन होंगे, ठीक है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसकी क्या ड्यूटीज है। नेक्स्ट हम आते हैं अरेंजमेंट ऑफ पर्सोनल, कि जो पर्सोनल का मतलब होता है कर्मचारी, कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो उसमें कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, पर्सोनल की, एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो वो एम्प्लॉयज आप कहाँ से अरेंज करोगे, कहाँ से आप उनको लाओगे, कितना पे करोगे, ठीक है। और उनको देखो गाइज ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, उस पर भी खर्चा करना पड़ता है। तो आप ये चाहते हो कि जो आप पैसा लगा रहे हो ट्रेनिंग पे, तो ट्रेनिंग लेने के बाद वो अच्छे से काम करे और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़कर ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे तो हमें नए बंदे रखने पड़ेंगे, और अगर हम नए बंदे रखेंगे तो हमें नए बंदों की फिर से ट्रेनिंग करानी पड़ेगी जिसपे और खर्चा आएगा। तो इसलिए जो भी अपने वर्कर्स हैं हमें उनको सेटअप करके रखना पड़ता है, बनाकर रखना पड़ता है, रिटेन करके रखना पड़ता है। उसके बाद है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखते हैं गाइज कि हमें जो कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस के लिए वो कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अगर हमें मिल भी गई है तो हम उसका किस किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो जो हमें कैपिटल मिल रही है वो किस रेट पर मिल रही है, किस मार्केट से मिलेगी, और उसका जो टाइम है पे करने का वो क्या होगा, कि हमें वापस कब करनी है वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अरेंजमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। मान लिया कोई इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं तो उसमें फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो फिक्स एसेट्स हम कहाँ से लाएंगे? हो सकता है कि हम वो फिक्स एसेट्स पुरानी ले लें, ठीक है, हो सकता है कि हम नई ले लें वो फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम फिक्स एसेट्स यूज कर रहे हैं वो कितने टाइम बाद खराब हो जाएगी। मान के चलते हैं कि मशीनरी है वो 10 साल चली, ठीक है, हमें पता है कि वो 10 साल चलेगी, तो क्यों ना हम उसके क्योंकि 10 साल बाद हमें फिर से दूसरी मशीनरी लानी है, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा एक फंड में निकालते रहेंगे, ठीक है। उस फंड में से क्या होगा,
जब हम उस फंड में इकट्ठा हो जाएगा पैसा, तो 10 साल बाद जब हम उस मशीनरी को क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, तो हमें एक नई मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस नई मशीनरी के लिए इतना सारा पैसा आप कहाँ से लाए? तो हम उस फंड में से क्या करेंगे, जो हमने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया था, उस फंड में से हम पैसा ले लेंगे और नई मशीनरी ले आएंगे। गाइज, एक साथ पैसा इकट्ठा करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे कुछ कुछ पैसा निकालेंगे तो इतना पता नहीं चलता है और हमारा काम भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लांट लेआउट। अब हमने क्या किया है, मशीनरी खरीद लिया, अब उसको मशीनरी ले तो ली है, लेकिन बिजनेस में सेटअप कैसे करें, तो उसी को ही कहा जाता है प्लांट लेआउट, कि हमें उसको इस तरीके से सेट करना है कि वो कम से कम जगह घेरे, ठीक है, कम से कम स्थान घेरे। तो इस तरीके से हमें उसको सेटअप करना है। और दूसरा ये कि जो भी उस मशीनरी पे काम करेंगे, वर्कर्स जो हैं, वो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि जो मशीनरी है उसका सेटअप बीच में हो, तो हर तरीके के, मतलब हर कॉर्नर से जो एम्प्लॉय है उनका इक्वल डिस्टेंस पड़ेगा, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस पड़ने के बाद क्या होगा कि कोई किसी को भी ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, किसी को भी ज़्यादा अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा, सबको इक्वल टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो लेआउट हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, जिसमें स्थान को कम से कम घेरा जाता है और जो उसके एम्प्लॉयज़ या कर्मचारी हैं या पर्सनल हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस। जब हम अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, मान लिया हमने प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, प्रोडक्शन कर लिया, अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमें अपना, मतलब हमने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया है। दूसरा, हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये कैसे हम दिखाएंगे कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हम दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट से। तो एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी। अब किसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करें, ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इन सबसे रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए जब भी हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज। और आपके जो भी कमेंट हैं वो हमारे लिए सजेशन का काम करते हैं। सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप अपने डाउट्स, तो उनको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू क्लास।